जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ठोस अवस्था के। ठोस अवस्था है क्या? देखिए, द्रव्य जो होता है उनकी तीन अवस्थाएं बेसिकली पाई जाती हैं। इनमें आपके पास क्या, एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है आपके गैस। ठोस अवस्था क्या है? इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, ठोस जो होता है, बात इस हम लोग करेंगे, चैप्टर आपके पास है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, अब जब बात ठोस अवस्था की है तो ठोस अवस्था में ठोसों के जो कण होते हैं वो प्रबल अंतरारुक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो माना हमारे पास क्या, अवस्था जो थी द्रव्य की, तो हमने आपको तो पहले ही बता दिया था, जो द्रव्य होता है द्रव्य की तीन अवस्था है, ठीक है। बेसिक हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या, एक होता है आपके पास क्या ठोस होता है, दूसरे को हम लोग कहते हैं द्रव कहते हैं, और एक जो होता है आपके पास कहलाता है आपके पास क्या, वो कहलाता है गैस। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं सामान्य रूप से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये ठोस अवस्था में क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, सटे होते हैं। सटे होने का क्या कारण है, यहाँ पे सटे होने का कारण है आपके पास क्या, इनके अंदर प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। मतलब हो गया आपके पास क्या, दो या दो से अधिक कण जो होते हैं ऊपर, मतलब क्या, एक दूसरे के साथ प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा भी जुड़े होते हैं। हो सकता है वैद्युत आकर्षण बल हो या फिर आपके पास क्या सहसंयोजकता बंध बना रहे हो। तो आपके जो कण है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रबल अंतराणु आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। आप अंतराणु आकर्षण बल भी कह सकते हैं, इन परमाणु के जैसा है उसी के आधार पर इसको कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके द्रव की जो अवस्था है, तो द्रव में क्या होते हैं, ये अवयवी कण जो होते हैं वो पहले की अपेक्षा अर्थात ठोस की अपेक्षा जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, अर्थात इनके अंदर अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। अगर बात गैस अवस्था की आती है तो बिल्कुल ये जो गैस की कण है वो बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात इनके कणों के मध्य जो होता है वो अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जब इनके अंदर अंतराणु आकर्षण बल ज्यादा है तो ये क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सटे हुए रहेंगे, बिल्कुल इनका केंद्रक इनका केंद्रक, या फिर क्या पास, ये जो कण है बहुत पास पास है। जब कण पास पास होते हैं तो इनमें क्या होता है, बिल्कुल ये जो अंतराणुक रिक्त स्थान होता है इसको हम लोग कहते हैं अंतराणुक, ठीक है, अंतराणुक रिक्त स्थान, ये है अंतराणुक रिक्त स्थान। अंतराणुक रिक्त स्थान जो होगा ठोस के कणों के बीच बहुत ही कम होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि भैया अंतराणुक स्थान का कम होने का कारण ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोस के कणों को हम लोग संपीड नहीं कर सकते और पास पास नहीं ला सकते। तो यहां पर आ रहा है अंतराणु रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जबकि द्रव के जो कण होते हैं उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल, मतलब कि अंतराणु रिक्त स्थान अपेक्षाकृत इनकी अपेक्षा ज्यादा होता, और जो गैस के कण होते हैं उनके अंदर अंतराणु रिक्त स्थान और ज्यादा होता है। बात करते हैं यहाँ पे भैया क्या, लग आपका जो बेसिक टॉपिक है आपके पास यही है, तो आप ये मान के चलिए जो ठोस अवस्था होता है द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनमें हम लोग क्या कहते हैं, जो क्या होते हैं असंपीड्य होते हैं, या फिर जिनके अंदर अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिनके अंदर अंतराणु रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ये क्या कहलाते हैं आपके पास, ठोस कहलाते हैं। अब ठोस को अगर देखा जाए बेसिकली दो भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। ठोस के क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो ठोस हमारे पास क्या होते हैं, ठोस को यहाँ पे बांटा गया है, ठोस को पहले दो रूपों में बांटा गया है। एक तो कह रहा है ठोस जो है वो कह रहा है आपके पास क्या क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है आपके पास अक्रिस्टलीय ठोस। एक कह रहा है आपके पास क्या क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, और एक जो होगा आपका कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा आपके पास अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस
क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो कणों की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल एकदम क्या होती है, सतत होती है। जैसे हमारे पास दिया गया जो कण है वो बेसिकली इस प्रकार से अगर रखे हूं, ये सतत व्यवस्था है। सतत व्यवस्था मतलब होता है पास जितने भी अवयवी कण होते हैं उनमें जो व्यवस्था है अवयवी कणों की वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। रेगुलर पैटर्न का क्या तात्पर्य है भैया? रेगुलर पैटर्न मतलब होता है इनमें जो कण होते हैं हमेशा अल्टरनेट करके, अर्थात इनके कणों की लगातार पुनरावृत्ति होती है। हो सकता है आपके पास क्या, ये ए हो, बी हो, फिर आपके पास क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा। इस तरह से इनकी जो व्यवस्था होती है वो ऐसे रेगुलर पैटर्न में होती है। तो ये इनका रेगुलर पैटर्न होता है, अर्थात हर ए के बाद आपके पास बी ही आना है, ये से और होता है। एक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें आपके पास क्या हो गया, ये जो कणों की जो व्यवस्था है, अगर कणों के बारे में बात करें तो इनके जो कणों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है, कुछ दूर तक तो भैया ठीक ठाक चलती है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन कुछ दूरी के बाद ये जो होते हैं इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो बदलती रहती है, अर्थात इनमें एक रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता है, क्रमिक जो परिवर्तन है वो नहीं पाया जाता। हो सकता है आपके पास क्या, ये ए हो तो अगला बी हो, लेकिन इसके बाद जरूरी नहीं है कि अगला फिर आपके पास ए ही हो, ये आपके पास बी भी हो सकता है, फिर ए हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या, इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता है, कोई निश्चित आपके पास क्या सतत संरचना इसकी नहीं होती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात हर ए के बाद बी आना है, ए के बाद बी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, जिसके कारण इनकी जो व्यवस्था होती है बहुत दूर तक एकदम सतत रहती, कॉन्टिन्यूअस रहती है, बिल्कुल काफी दूर तक इनकी व्यवस्था निरंतर रहती है, जिसके कारण इनको कहा गया है क्या, ये होते हैं दीर्घपराशी। दीर्घपराशी का अर्थ है कि इनमें जो कणों की जो व्यवस्था होती बहुत दूर तक जो होती है वो क्या होता है, एकदम कंटिन्यूअस होती है, निश्चित होती है, इसके लिए इसको दीर्घपराशी कहा गया है। जबकि अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये कैसे कुछ दूर तक ये भैया ठीक ठाक व्यवस्था में, उसके बाद इनकी व्यवस्था बिगड़ जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं लघु परासी, अर्थात इनका परास, इनके जो कणों की व्यवस्था बहुत दूर तक समान नहीं होती है, जिसके कारण आपस ये कहलाते हैं आपस क्या लघु परासी होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है ये ध्यान देंगे, जैसे अगर हम बात करें इनके कणों के क्या होगा, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की, या फिर क्या भौतिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक गुण जो होते हैं इनके क्या हर एक दिशा में ठीक है भिन्न भिन्न होती है, अर्थात जितनी भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इस दिशा में अगर देखी जाए तो कुछ और होगी, अगर इस दिशा में आप देखते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास कुछ और होगी। इस तरह से भी आप देख सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है दोनों दिशा में अलग अलग होती है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, जो भौतिक गुण है वो बिल्कुल क्या होते हैं सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास क्या, अलग अलग दिशाओं में इनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होने के कारण इनको हम लोग कहते हैं विषम दैशिक। एक चीज आती है विषम दैशिक और ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास क्या समदैशिक कहलाते हैं, ये है समदैशिक, अर्थात सभी दिशाओं में इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होती हैं, वो सभी दिशाओं में समान होती है। कारण क्या है,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, अगर इधर से देखें तो आपके पास क्या खाली और खाली इस प्रकार के बंध लगे हुए जैसे ए और बी, ए और बी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो कणों की व्यवस्था वो ए ए ए ए एक साथ है, बी 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 और बी एक साथ है। तो स्वाभाविक सी बात आपके पास क्या है, इस क्षेत्र में इनका भौतिक गुण दूसरा होगा और इस क्षेत्र में इनके भौतिक गुण दूसरे होंगे। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या कोई निश्चित क्रम न होने के कारण चाहे आप इस दिशा की बात करें और या फिर इस दिशा की बात करें अर्थात अलग अलग अक्षों पर भी इनके भौतिक गुण समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमने कह दिया आपके पास क्या, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घपराशी होते हैं और साथ में विषमदैशिक होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे हैं, वो लघुपराशी हैं, साथ साथ आपके पास क्या समदैशिक होते हैं। एक बात आती है इनके शीतलन वक्र का, बात अगर शीतलन वक्र की जाए तो ये जो होते हैं आपके पास देखा जाए इनका एकदम शार्प शीतलन वक्र होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं क्या होता है, ये असतत कह सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है आपका शीतलन वक्र होता है। शीतलन वक्र क्या बताता है, शीतलन वक्र बताता है कि भैया आपका कोई पदार्थ ठोस है वो अपने अवस्था में अगर परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, यह आपका ताप हो गया, यहां पे हमने लिख दिया समय। जो भी है तो क्या होता है पास अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो जब किसी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो कुछ समय तक जो होते एक स्थिर ताप पर बने रहते हैं। जैसे अगर देखा जाए वो ठोस से द्रव में आ रहे हैं या फिर द्रव से अगर ठोस अवस्था में जा रहे हैं तो लगातार क्या होगा, इनका जो अवस्था जब परिवर्तन होता है तो अवस्था परिवर्तन के समय जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते अर्थात मान लिया आपका ठोस अवस्था था, ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में आते तो एक कुछ समय तक अंतराल तक क्या होता है इनका ये तापमान जो होता है वो क्या होता है स्थिर हो जाता। उसके बाद अगर फिर ये क्या करते हैं पास क्या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, ठोस से द्रव, द्रव से अगर हमारे पास क्या फिर दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं तो उस समय भी क्या होगा इनका उस अवस्था में जाते समय तुरंत क्या होता है आपका स्थिर जो होता है फिर से नियत हो जाता है, जिसके कारण इनका जो आपका वक्र आता है वो कुछ असतत प्रकार का होता है। जबकि ऐसी व्यवस्था इनमें नहीं होती, इसका कारण क्या होता है, इनमें जो अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो भिन्न भिन्न होने के कारण इनका जो क्रिस्टलन मतलब क्या होगा ये कह रहा था आपका शीतलन जो वक्र है वो कैसा होता है, वो सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे हमने बता दिया आपके पास क्या ये ताप है और आपके पास क्या होगा ये समय है। ताप और समय के बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का तो आपके पास क्या इस प्रकार का सतत वक्र प्राप्त होता है, जिसका अर्थ ये होता है ये अवस्था परिवर्तन के समय धीरे धीरे जो होते वो वियोजित होते हैं अथवा फिर धीरे धीरे ये संकुचित होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार की स्थिरता नहीं आती है। जबकि आपके पास जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कुछ समय के लिए अवस्था जब परिवर्तित होती है तो कुछ समय के लिए आपका क्या वो जो होता है स्थिर हो जाते हैं, अर्थात अगर द्रव से ठोस से द्रव में आ रहा है या फिर क्या द्रव से ठोस अवस्था में जा रहा है तो उनका तापमान कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपका क्या जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे है दीर्घपराशी है, क्योंकि अवयवी कणों की व्यवस्था बिल्कुल इस तरह से सतत होती है। ये कैसे होते हैं विषमदैशिक होते हैं, अर्थात इनकी भिन्न भिन्न दिशाओं में जो पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भिन्न भिन्न है। इनका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है असतत होता है, जबकि जो क्रिस्टलीय सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं वो लघुपराशी होते हैं, अर्थात इनके कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये कैसे होते हैं ये पास क्या समदैशिक हैं, किसी भी दिशा में देखा जाए तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में लगभग समान होती है, और ये जो होते हैं पास क्या इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। बात आती है यहाँ पे ठोस अवस्था खत्म होता है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़ते कि आपका हीरा ग्रेफाइट फुलरेन बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं आपका भैया, ठीक है हीरा भी होता है आपका ग्रेफाइट भी होती है, ठीक है फुलरीन होती है, ठीक है हीरा हो गई ग्रेफाइट हो गई फुलरीन हो गई, तो आपके पास ये सब आपके पास क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग देखें तो आपके पास रबर आता है, ठीक है हम लोग इसको रबर कह सकते हैं, रबर होगा या फिर आपके पास क्या कांच भी हो सकती है, आपके पास ये कांच भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या अक्रिस्टलीय ठोस भी नेचर में देखने को मिलते हैं। देखिए कांच की एक भैया बात आती है, कांच को भी अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसका क्या कारण है, कांच को अतिशीतित द्रव कहने का कारण क्या होता है,
जो पुरानी इमारतें होती है, आपके एनसीईआरटी में पूछा गया, ऐसा क्या कारण है जो पुरानी इमारतें जो होती है कुछ समय पश्चात जो होते हैं इनके मतलब नीचे के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं भैया, थोड़े धुंधले और मोटे हो जाते हैं, जबकि ऊपर के भाग जो होते हैं वो क्या ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पतले हो जाते हैं। तो कांच जो होता है उसको अतिशीतित द्रव कहा गया है। अतिशीतित द्रव इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो द्रव मतलब इनके जो कणों की जो व्यवस्था होती है, अर्थात जो कण होते हैं उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे लगता है वो क्या करते हैं नीचे की ओर बहुत धीरे धीरे गति करते हैं, और धीरे धीरे गति करने की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो द्रव से मिलती जुलती है, और चूंकि ये बहुत धीरे धीरे गति करते हैं इसलिए इनको अतिशीतित द्रव कहा गया। सुपर कूल्ड आपके पास लिक्विड होता है जो कांच होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके पास कांच जो होता है वो एक प्रकार का अक्रिस्टलाइन ठोस है, जिसमें क्या होता है जिसमें आपके पास क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनके जो अवयवी कण होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं वो नीचे की ओर गति करते हैं। चलिए बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तो खत्म होता है, ठोसों का वर्गीकरण और आता है। ठोस अवस्था में ठोस के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो ठोस के वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो ठोस को बेसिकली बांटा कितने भागों में है, ठोस को बांटा गया है चार भागों में। कौन कौन से ये चार भाग होते हैं? पहला तो कहलाता आपके पास क्या आयनिक ठोस, ठीक है। ठोस का जो वर्गीकरण है ठोस को बांटा गया क्या, ठोस को क्लासीफाई कर दिया गया आपके पास क्या चार भागों। चलिए ठोस के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, ठोस को बांटा गया पे चार भागों में। ये चार भाग कौन कौन से हो सकते हैं या फिर कौन से होते हैं? तो बेसिकली हम लोग देखें तो पहला तो हो गया आपके पास क्या, एक हो गया आपके पास क्या आयनिक ठोस हो गए, एक हो गया आपके पास क्या आण्विक ठोस हो गए, एक हो गया आपके पास धात्विक ठोस हो गया, और एक होता है आपके पास क्या सहसंयोजक ठोस। तो हम एक क्रम से भी लिख सकते हैं, कोई भी क्रम आप लिख सकते। पहले बात आती है यहाँ पे क्या, पहला हम बात करते हैं आयनिक ठोस का। आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस होता है। दूसरा हम पढ़ लें यहां पे क्या सहसंयोजक ठोस भी बात कर सकते हैं, दूसरा होता है आपका क्या सहसंयोजक ठोस। बात अगर तीसरे की करते हैं तो आपका तीसरा आएगा क्या, वो तीसरा होगा आपका क्या आण्विक ठोस, आण्विक ठोस। और बात चौथे की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है आपके पास क्या धात्विक ठोस कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस। चलिए बात करते हैं हम लोग अगर एक की बात करें पहले आयनिक ठोस की, फिर आपके पास बात आएगा क्या आपका दूसरा जो आपके पास कहलाएगा क्या सहसंयोजक ठोस, तीसरा कहलाएगा आपके पास क्या आण्विक ठोस, और चौथा पास कहलाएगा क्या पास धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस होते क्या है, बात करते हैं हम आयनिक ठोस। देखिए है क्या आयनिक बंध कब बनते हैं, सपोज इट हमारे पास क्या होगा आयनिक बंध का, अगर हम लोग क्या करते हैं दो प्रकार के परमाणु, एक कोई प्रबल विद्युत धनी हो और एक कोई प्रबल विद्युत ऋणी हो। इसका क्या तात्पर्य है, प्रबल विद्युत धनी जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, जबकि प्रबल विद्युत ऋणी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो बंध बनते हैं उनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम परमाणु प्रबल विद्युत धनी होता है, क्या करता है सोडियम परमाणु अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, सोडियम प्लस आयन और प्लस का एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग देता है। क्यों, क्योंकि सोडियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो सोडियम हमारे पास क्या है ये सोडियम का मलय परमाणु है, तो सोडियम के पहले कोश में दूसरे कोश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे दूसरे एक इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरे में आठ, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 है तो दो इलेक्ट्रॉन दो और आठ 10 और एक 11। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन है भैया, बाहर अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा होने के लिए अगर देखा है तो ये आठ सात इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन क्या भैया, तो भैया चाहे ये सात इलेक्ट्रॉन को भैया ग्रहण करे, चाहे सात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या फिर आपके पास क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो उसको क्या करे रिड्यूस करे, तो पॉसिबिलिटी क्या ज्यादा आसान होती है, आसान ये है भैया एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके और क्या करता अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। जबकि आप बात अगर क्लोरीन की करते हैं क्लोराइड आयन है, तो भैया क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन कैसे क्लोराइड में बदलता है, वही व्यवस्था इसमें भी, परमाणु क्रमांक 17 दो इलेक्ट्रॉन फिर आपके पास आठ इलेक्ट्रॉन
ठीक है। लास्ट में आपके पास क्या, सात इलेक्ट्रॉन। अष्टक, इसे भी पूरा करना, इसको अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रहण करता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। तो बात आ गई, वही जो एक इलेक्ट्रॉन दिया था Cl प्लस आपके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, आपके क्या क्लोराइड आयन बनता है। तो जब क्लोराइड आयन बन चुका है तो इस प्रकार से आपके पास NaCl इस तरह से बन जाता है, Na और Cl। तो NaCl क्या है आपके पास, तो NaCl अगर देखा जाए तो आप इलेक्ट्रॉन को अगर काट दें तो आपके पास क्या बनाइए, NaCl बेसिकली आपके पास क्या Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। तो NaCl का जो निर्माण होता है इनमें क्या होता है, Na जो होता है वो प्रबल विद्युत धनी होता है और क्लोरीन जो होता है वो प्रबल विद्युत ऋणी कह सकते हैं। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का भी क्या स्थानांतरण किया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच विपरीत आवेश आ जाते हैं और विपरीत आवेश आने की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ गए। और जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ गए तो आपस इस प्रकार के जो ठोस बने वो कहलाए पास क्या, आयनिक ठोस कहलाए। ये बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आयनिक ठोस बना NaCl जो बना वो क्या होता है पास, अगर देखा जाए क्रिस्टलीय अवस्था में है तो ये क्या होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि भाई ये प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हैं और विद्युत धारा का प्रवाह भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण NaCl जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का कुचालक होता है, ये कुचालक है। किंतु अगर हम इसी को पुनः घोल देते एक्वस विलयन में, मतलब क्या, अगर हम लोग इसको क्या पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने पर इनका जो जलीय विलयन होता है, पानी में डालने पर जल में इसको अगर घोल दे रहे हैं तो घोलने के बाद आपके पास क्या इनका जो जलीय विलयन बनता है वो बनता है आपके पास क्या Na प्लस आयन एक्वस में रहेगा और फिर बनेगा आपके पास क्या Cl माइनस चार्ज, ये भी एक्वस, इनका क्या होगा जलीय विलयन आयन बने। और ये जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का भी क्या स्थानांतरण करा लेते हैं, जिसके कारण जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक, किंतु गलित अवस्था में जो होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें कोई एक धातु परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन निर्माण, धनायन का निर्माण करता है, जबकि कोई अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है। तो इन दोनों के बीच एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। जबकि बात हम लोग कहते हैं क्या गलित अवस्था की, अगर गलित अवस्था की बात करें तो गलित अवस्था में ये क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर क्या अलग अलग आयनों में वियोजित हो जाते हैं और ये आयन जो होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जिसके कारण ये गलित अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपके पास क्या बहुत सारे एग्जांपल हो गया, आपके पास NaCl तो आपको पहले पढ़ चुका भी है, आपका MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, CaCl2 हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी आपके पास का ठोस आते हैं वो सब आपको कराते हैं क्या आयनिक ठोस कहलाएंगे। तो ये हो गया आपके पास क्या आयनिक ठोस, आयनिक ठोस कैसे बने ये आपको बता दिया जाए। बात आते हैं आपका क्या सहसंयोजक ठोस की, चलिए बात करते हैं हम लोग सहसंयोजक ठोस की। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में क्या करेंगे, कुछ और आयनिक ठोस के यहाँ पास क्या एग्जांपल देंगे, जो एग्जांपल है आयनिक ठोस का वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आयनिक ठोस के लिए सम एग्जांपल्स और प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालकर किस तरह से, जैसे आपके पास क्या पहला है आयनिक ठोस कितना, दूसरा सहसंयोजक ठोस के और एग्जाम्पल, आयनिक ठोस के और एग्जाम्पल और धात्विक ठोस के एग्जाम्पल आप देते रहे, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल आप खुद बना करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग इस समय सहसंयोजक ठोस की। सहसंयोजक बंध कैसे बना, सहसंयोजक बंध की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जो सहसंयोजक बंध बनते हैं उसमें परमाणु क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की क्या आवश्यकता है, तो नेचर में जितने भी आपके पास परमाणु होते हैं वो हर हाल में चाहते हैं अपने अष्टक को पूरा करना। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा कर लेते हैं, किंतु ऐसे कुछ हमारे पास परमाणु होते हैं
जो भैया जिनकी वैलेंसीज भैया क्या ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लायक होते हैं ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो रखते हैं। जैसे बात अगर हम लोग करें कार्बन की या बात करते हुए सिलिकॉन की, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है अगर देखा जाए तो दो हो गया चार हो गया, अगर इसके बारे में बात करें तो दो हो गया आठ हो गया चार हो गया। बात बिगड़ ये रही है भैया यार चार 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 क्या चार चार इलेक्ट्रॉन कैसे भैया पूरा करेगा अष्टक, तो भैया पॉसिबिलिटी भी चार इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर क्या चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये दो कंडीशन है। अब ये अगर ये कार्बन परमाणु जो है वो आप भैया चाहते हुए क्या कार्बन परमाणु की वैलेंस माने आप चार है, ये कार्बन परमाणु पहले कोश में इसके दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में चलो या भैया क्या चार इलेक्ट्रॉन, तो अब हम इसको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे अगर इसको बनाना चाहे दो कंडीशन है ये, फिर भैया क्या सी माइनस में आ सके या फिर क्या सी प्लस में आए क्या प्लस का फोर। अब प्लस फोर के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उड़ जा दी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल, देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं ये क्या नाभिकीय आकर्षण बल अन्य इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो है क्या बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर प्रोटॉनों की संख्या स्थिर है, प्रोटॉन अभी भी आपके पास क्या प्रोटॉन अगर देखा जाए तो छह प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक छह तो प्रोटॉनों की संख्या छह, तो प्रोटॉन जब छह है तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा प्रोटॉन अभी भी छह रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पांच हो गई, अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या हो गया वो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया, जब नाभिकीय आकर्षण बल बन गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने की अगला इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते तो ऊर्जा और खर्च करनी पड़ेगी। चलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन पुनः निकालने के लिए प्रयास करें अब क्या ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़े, इसी प्रकार से तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा इस परमाणु को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जिसके कारण क्या ये अस्थाई नहीं रहेगा। अगर इसी प्रकार से हम बात करें भैया क्या ये कार्बन परमाणु है ये माइनस फोर अगर बना है, क्योंकि कंडीशन दो ही है अष्टक पूरा करने का, चाहे चार इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तो बात अगर करते भैया यही कार्बन परमाणु की तो भैया एक इलेक्ट्रॉन आया चलिए कोई दिक्कत नहीं, अंदर प्रोटॉन छह है बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सात हो गई, तो कुछ देर के भैया क्या भैया बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेंगे भैया चलो आओ यार कोई बात नहीं हम इलेक्ट्रॉन आपको खींच रहे भैया परेशान मत होना मेरे पास नाभिकीय आकर्षण बल है तो चलो, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है सातवां इलेक्ट्रॉन आठवां इलेक्ट्रॉन आया फिर भी नाभिकीय आकर्षण बल कुछ लगा, अब बल तो धीरे धीरे कम होता है भैया त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही है और त्रिज्या और एक चीज और भी है अपना जो आंतरिक कोष भी इलेक्ट्रॉन है वो इनके ऊपर रिपल्सन भी लगा रहे, तो ये कारण होता है भैया क्या सी ना ही प्लस फोर में जा सकता है और ना ही सी माइनस फोर में जा सकता है, क्योंकि इस प्लस फोर में जाने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और माइनस फोर में जाने के लिए क्या करता है भैया परमाणु जो होता है उतने पास नाभिक के पास इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती है कि इसकी दूसरे का भैया क्या चार इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या अपने आप को अस्थायी बनाए, तो ये क्या करते शॉर्टकट अपना लेते भाई, शॉर्टकट अपनाने का क्या तरीका भैया यार देखो यार हमारे पास अष्टक हम पूरा नहीं कर पा रहे मेरी व्यवस्था यार अष्टक पूरा करने के नहीं मैं दूसरे से क्या साझा करूंगा, तो साझा करने के लिए क्या करते हैं भैया किसी अन्य परमाणु के साथ, जैसे कार्बन है तो कार्बन में हम लोग पहले पढ़ चुके कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं भैया क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया था, कार्बन में क्या होता है कैटेनेशन की लंबी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन क्या करता भैया कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगले कार्बन परमाणु से इसी प्रकार से क्या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है अष्टक पूरा करने, अगर देखा जाए तो आपके पास क्या ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, हो सकता है आपके पास क्या यहाँ पे आप हाइड्रोजन परमाणु लो ये मेथेन एथेन जो भी है या आपके पास क्या हाइड्रोजन के परमाणु है, तो ये कार्बन की जो व्यवस्था थी इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने व्यवस्था अपनाया कि भैया देखो यार हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने अष्टक पूरा करने के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन वो क्या भैया नाम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं नाम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं हमारे पास एक प्रवृत्ति है हम इलेक्ट्रॉन ले करके या फिर क्या सॉरी हम इलेक्ट्रॉन का साझा करके साथ 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 सह संयोजक बंध बना सकते हैं, आपका भी अष्टक इस तरह से पूरा हो जाएगा भैया और इनका भी अष्टक इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा, बिल्कुल फिलहाल ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की तरह बन गया, ये कार्बन परमाणु ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया हाइड्रोजन परमाणु अपना अष्टक सभी हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या अष्टक तो नहीं लेकिन हीलियम जैसे अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे परमाणु जिनके भी है क्या अगर जिनके पास संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर चार पांच इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो वो ज्यादातर प्रवृत्ति क्या करते हैं वो साझे का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास कार्बन परमाणु की जितने भी ठोस है कार्बन है सिलिकॉन है इन सभी से जो ठोस बनने वाले होते हैं बेसिकली वो बनाते हैं आपके पास क्या सह संयोजक ठोस बनाते हैं।
तो सहसंयोजक ठोस में हमने कह दिया भैया क्या कार्य था, उसका कार्य ये था सहसंयोजक ठोस का। तो सहसंयोजक ठोस में हमारे पास एग्जांपल क्या आ गया भैया बात सहसंयोजक अगर ठोस करे तो भैया पास आएगा क्या हीरा हो सकता भैया, नाम आएगा भैया ग्रेफाइट हो सकती है, ठीक है हीरा ग्रेफाइट फुलरेन। ठीक फुलरेन हो सकती है, तो हीरा हो गए ग्रेफाइट हो गए फुलरेन हो गए, तो ये कहलाया आपके पास क्या सहसंयोजक ठोस कहलाया। इसमें भी अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होती है जो ग्रेफाइट होती है उसकी जो परतीय सतह होती है, मतलब क्या जो परत वाली सतह है उसमें आपके पास क्या होगा कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को पा मिलते हैं, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास क्या है ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत धारा की सुचालक होती है। किंतु अगर देखा जाए आपके पास क्या हीरा और फुलरेन जो होते हैं वो विद्युत धारा का कुचालक है, और इसमें हीरा जो होता है आपके पास क्या सबसे कठोर पदार्थ होता है क्योंकि इनकी परमाणु व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि इसको तोड़ने के लिए क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो क्रिस्टल में सबसे कठोर आपके पास क्या होता है वो हीरा होता है, बात ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, किंतु ग्रेफाइट एक ऐसा आपका सहसंयोजक ठोस है जो विद्युत धारा का सुचालक होता है। बात करते हैं हम लोग क्या आणविक ठोस की, चलिए एग्जांपल हमारे पास यहां पे कुछ और आप ऐड करेंगे, बात हम अगले की करते हैं आणविक ठोस। भाई आणविक ठोस कौन हो गया भैया, आणविक अणुओं से जो बनते हैं या फिर क्या परमाणुओं के संयोग से बनने वाले जो ठोस होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास क्या आणविक। देखिए आणविक ठोस मतलब होता है यहां पे स्वाभाविक सी बात आपको दिया गया क्या अणु, और कैसे बना भैया परमाणुओं के संयोग से बना भाई। अब परमाणुओं का संयोग कैसे हुआ, ये परमाणु ने ये जो परमाणु है परमाणु का संयोग हुआ और परमाणु के संयोग से कौन बना भैया ये बन गए अणु बने। अब जब परमाणुओं के संयोग से अणु बने हैं तो अणु की कुछ प्रवृत्ति आई, जो आणविक ठोस होते हैं उनको पुनः बांट दिया गया क्लासिफाई किया गया किसमें भैया तीन भागों में, कौन कौन से हो गए भैया ये आणविक ठोस, ये जो आणविक ठोस हो गए इनको तीन भागों में बांटने का आया तत्व, एक हो गया आपके पास क्या भैया एक हो गया आपके पास क्या अध्रुवीय, बिल्कुल अध्रुवीय एक हो गया आपके पास क्या अध्रुवीय, दूसरी बात आ गई क्या ध्रुवीय की, और एक और बात आती है किसकी भैया आपके पास क्या हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, इसके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। अध्रुवीय मतलब क्या होता भाई, देखिए ध्रुव कब बनते हैं डायपोल कब बनता भाई, डायपोल तब बनेगा जब क्या होंगे दो परमाणु अगर हैं और दोनों परमाणु के बीच जो आपके पास क्या लगने वाला आपका जो बल है किसी एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, हाँ किसी एक की विद्युत ऋणात्मकता आप कह सकते ज्यादा, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं HCl HCl, तो H जो परमाणु है और जो Cl परमाणु है तो Cl परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज्यादा होने के कारण क्या करती है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींची रहती है कि नहीं 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 इलेक्ट्रॉन पर अधिकार हमारा। तो यहां पर हम बात करते हैं सॉरी इस समय आपके पास क्या होगा अध्रुवीय की हम बात कर रहे हैं, तो अध्रुवीय में आपके पास क्या होगा अगर ध्रुवीय की बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल HCl आएगा, लेकिन आपके पास अध्रुवीय की बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं दोनों समान परमाणु हो सकते हैं, जैसे हमने कह दिया क्या हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, इन्होंने क्या कर दिया एक एक इलेक्ट्रॉन का जब साझा किया तो आपके पास क्या एक प्रकार का सहसंयोजक बंध भी बना, लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के नहीं, तो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के इस समय अणु का निर्माण कर रहे हैं और इनके दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कैसी है समान, जितना बल इनके पास उतना ही बल इनके पास, न इलेक्ट्रॉन साझे का इनकी ओर रहेगा न इलेक्ट्रॉन साझे का इनकी ओर रहेगा। आपने कह दिया बी आर टू ऐसे कह दिया बी आर टू बिल्कुल बी आर सिंगल बॉन्ड ऑफ बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। CCl4 के बारे में बात करें चलो CCl4 चलो Cl यहां पे है Cl यहां पे Cl यहां पे बिल्कुल विद्युत ऋणात्मकता भी है जितने भी है विद्युत ऋणात्मकता इस क्लोरीन परमाणु की इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कोई भी अगला है वो इधर खींच रहा है जितना बल इधर उतना बल इधर। अब ये भी बल लगा रहा भाई हम भी बल लगा रहे हम भी बल लगा रहे तो अभी भैया आदमी अगर है तो इसको इलेक्ट्रॉन इधर खींचे तो क्या होगा अपने आप को अपने मध्य में ऊपर खींच रहा है या फिर नीचे खींच रहा है, अगर समान बल लगेगा तो शायद आदमी वहीं पर रहेगा या फिर जो परमाणु है वो अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा जिसकी वजह से आपका क्या इसका भी जो म्यू होता है वो जीरो होता है, म्यू जिसका भी जीरो होता है वो सभी अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं।
अधिध्रुवी कौन हो गए जिनमें दो ध्रुव का निर्माण नहीं हो रहा है, ना ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता है समान है, ना ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। अगर बात हमें HCl की करते, चलो यहाँ पे हमारे पास ध्रुवीय ठोस है, सम एग्जांपल्स आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं हमें अध्रुवीय ठोस, सॉरी ध्रुवीय ठोस की। ध्रुवीय ठोस क्यों बना भाई, ध्रुवीय ठोस बनने का क्या कारण था, यहाँ पे H और Cl जो है बिल्कुल साझा का इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में इसके सात इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था सात इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहर कोश में अगर देखा है तो ये बेचारे का इकलौता इलेक्ट्रॉन, लेकिन भाई क्लोरीन कहीं ना कहीं भैया वो तो आदत बनी ही रहती ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी भी ज्यादा है, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो हाइड्रोजन जो होता है भैया क्या करे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, तो वो क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ मात्रा में इसके केंद्रक से इसकी ओर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो गया, हालांकि सहसंयोजक बंधीय अणु ही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर विस्थापित आ जाता है तो इसके ऊपर आता है आंशिक रूप से ऋणावेश, इसको अनुभव होता है यार मैं पा गया माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या लगे ये आंशिक रूप से भी ऐसा लगता है वीकनेस भैया यार इलेक्ट्रॉन यार फलनवा छीन लिया यार, अब क्या होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन भैया क्या हो गया, अगर कोई छीन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है अपने कब्जे में ले लेता है, तो भैया जिसके पास भैया क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उनके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, और दूसरे परमाणु के ऊपर भैया क्या करता है आंशिक रूप से धनावेश आता है। इस प्रकार से आपके पास क्या एक ध्रुव का निर्माण होता है, भैया दो ध्रुव मतलब क्या एक ध्रुव नहीं दो ध्रुव का कौन हो गया, एक धनावेशित ध्रुव हो गया और एक ऋणावेशित ध्रुव हो गया, इस प्रकार से दो ध्रुव होने की वजह से इस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं क्या ध्रुवीय ठोस, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, आप कह सकते हैं क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड का दिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर पे लोन पे इलेक्ट्रॉन भी है, सल्फर आटोमो से छह इलेक्ट्रॉन, एध्रुवीय आपका क्या इस प्रकार से CO2 भी होता है, सी डबल बॉन्ड अप ओ डबल बॉन्ड अप ओ, एध्रुवीय आणविक ठोस है, यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसा है ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। रीजन क्या आपका सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी माइनस का आंशिक रूप से ऋणावेश, यहाँ पे आएगा क्या आंशिक रूप से धनावेश, फिर आपका आएगा आंशिक रूप से ऋणावेश आंशिक, तो आपका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरफ होगा, म्यू जो होगा आपका क्या वो इधर आएगा, तो SO2 भी कैसा हो गया आपका ध्रुवीय आणविक ठोस है, HCl भी आपका क्या ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, HBr HI सभी आपका क्या ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। बात करते हैं हम लोग क्या हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस मतलब क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन आबंध हमने बताया था पूरे आवर्त सारणी में तीन मेंबर ऐसे हैं, तीन सदस्य ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं सदैव और सदैव हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। बात अगर हम करते हुए यहाँ पे तो आप भैया बिल्कुल पढ़ चुके हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, भैया देखो फ्लोरीन प्रबल विद्युत ऋणी, आवर्त सारणी का प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है तो स्वाभाविक सी बात आप क्या करेगा ये साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो जी ललचाए रहा ना जाता कुछ ऐसा है नहीं, कैसा है भाई अगला HF परमाणु जैसे ये देखता है तो इसका जी ललचाने लगता है, जी ललचाए रहा ना, अब अपने हाइड्रोजन पे तो कंट्रोल किया ही है, दूसरे के हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बाज नहीं आ रही यार, इगो यार यार ना ही मैं खींच लूंगा, तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करता है इसके हाइड्रोजन से एक दुर्बल बॉन्ड लगाता है, एक दुर्बल बॉन्ड लगाता है। इसी प्रकार से अगला आपस अगर HF और देखा जाए सोन मतलब ऐसे ही रहेंगे, तो इस प्रकार के जो बंध बनते हैं वो भी आपका क्या हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं, HF हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें H2O में भी है, अब देखो फ्लोरीन है ऑक्सीजन है, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो ये मान के चलो आपका क्या फ्लोरीन के बाद जो होता है आवर्त सारणी का दूसरा सदस्य ऑक्सीजन वो भी प्रबल विद्युत ऋणी का भी अनुभव, तो यहां पर भैया क्या होगा ये देखो कि भैया फ्लोरीन के बाद आपका दूसरा आवर्त सारणी में आपका दूसरा मेंबर जो है वो ऑक्सीजन कहता है ना भैया देखो ना तुम कम हो ना हम कम है, तो ना हम कम है मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन परमाणु भी क्या करता है इस प्रकार से थोड़ा सा अलग कर रहे इसको समझिएगा, ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ हाइड्रोजन इसके साथ पुनः हाइड्रोजन, अगला जल का अणु और HO और H और अगला और जल का अणु H हो गया O हो गया H, इस प्रकार के जल के बहुत सारे अणु जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ करके वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, तो जल भी आपके पास क्या होगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता है। एक और बचा आपके पास अगर इसके बात करें तो आप NH3 भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं अमोनिया NH3 नाइट्रोजन
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब भैया इसी श्रेणी में है तो पास पास है, तो लक्षण भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता है भाई। नाइट्रोजन, अमोनिया में अगर देखा जाए इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फिलहाल ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अपेक्षा कम होती है, लेकिन तभी भी संगत का सर, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जा, तो भैया जब संगत की बात आ गई तो इसने भी क्या कर दिया, बिल्कुल ऑक्सीजन का सहारा लिया। देखो ऑक्सीजन वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचता था, मैं भी इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, बिल्कुल। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई तो अपने आप क्या होगा, इनके बीच भैया ये दूसरे के हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर खींचते, जिसकी वजह से इनके और इनके बीच भी क्या करता, हाइड्रोजन बंध का निर्माण। तो आपका अमोनिया हो गया हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस, HF हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो भी आपके पास क्या, हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस होता है, और जल भी आपके पास क्या, हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस होता है। बात आती है आपके पास क्या नेक्स्ट होती है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस देखिए क्या होते हैं, अब भाई नाम है दीजिए धातु परमाणु, तो जो धातु परमाणु जिसमें लगे हो, धातु परमाणु इस तरह से लगातार जुड़े हो, जिसमें आपस में सिल्वर हो गया, बिल्कुल सिल्वर ऐसे लगे हुए लगातार, एजी है, एयू, तो ये जो सिल्वर के परमाणु है ना, आपस एजी है, आपस क्या एयू है, कुछ भी आपस क्या एजी पर, तो ये एजी के जो परमाणु होते हैं इनमें आपस क्या कुछ मात्रा आपस क्या इलेक्ट्रॉन इनकी सतह के ऊपर पाए जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये भी आपस क्या होते हैं, ये परमाणु भी आपस इसी प्रकार की व्यवस्था में है, अर्थात ऐसे धातु परमाणु जो परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिस्टल जाल जुड़ करके क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, उस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। ये धातु परमाणु है और धातु परमाणु परस्पर एक दूसरे के साथ क्या, प्रबल वैद्युत धात्विक बंध, क्या प्रबल धात्विक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक नहीं, अर्थात क्या होगा, इसमें आपस क्या धातु परमाणु परस्पर एक दूसरे के साथ लगातार जुड़े हुए और इस प्रकार से आपस क्या एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो बिल्कुल जितनी भी आपस धातु है, जैसे Fe हो गया, ऐसे मतलब क्या Fe हो गई, Fe के साथ आपस क्या हो गया सोडियम वगैरह देखा जाए, क्रिस्टल है सोडियम के, अन्य जितनी भी आपस धातु आते हैं जैसे Ag हो गया, Au हो गया, तो इस प्रकार के सभी ठोस जो होते हैं आपस क्या धात्विक ठोस के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा आपके पास क्या ठोस और ठोस के प्रकार पढ़े, और ठोस में बाकी जो आपके पास क्या प्रॉपर्टीज थी, कितने कितने प्रकार के ठोस होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ चुके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोष्ठिका क्या होती है, और भैया इनकी संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।